हाय गाइज, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कैसे हम अपने आईफोन में किसी भी कॉन्टैक्ट के ऊपर अपनी फ़ोटो असाइन कर सकते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो एक छोटी फ़ोटो होगी, मतलब फुल स्क्रीन फ़ोटो होनी चाहिए। बेसिकली ये डिमांड है इस वीडियो की। तो सिंपली गाइज, इस वीडियो में मैं आपको सारा ए टू जेड कम्प्लीट प्रोसेस बताऊँगा। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको इस स्टेप फॉलो करने हैं इस वीडियो की। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ये वाली फ़ोटो, जस्ट नॉर्मल वन, कोई सी भी रैंडम फ़ोटो अपने एक कॉन्टैक्ट के ऊपर असाइन करना चाहता हूँ। तो मुझे सिंपली अपने किसी भी कॉन्टैक्ट को अपनी फ़ोटो सेट करने के लिए सबसे पहले एडिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एडिटिंग उसके फीचर्स निकल आए हैं आईफोन के। अब आपको जाना है क्रॉप वाले सेक्शन में, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर प्रीसेट्स मिल रहे हैं क्रॉप के। आपको उस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, और फिर नीचे आपको 19:6 के ऊपर सेट कर देना है। जैसे ही आप सेट कर लोगे, डन के ऊपर क्लिक कर दो, और जस्ट आपका काम हाफ फिनिश हो गया है। अब आपको सिंपली शेयर आइकन के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं शेयर के ऊपर क्लिक करो, और फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रही है असाइन टू कॉन्टैक्ट, सबसे लास्ट सेकेंड वाली ऑप्शन असाइन टू कॉन्टैक्ट वाली, इसके ऊपर क्लिक करो। और अब आप अपना कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करो, जिस किसी भी कॉन्टैक्ट के ऊपर आप अपनी फ़ोटो सेट करना चाहते हो। तो जैसे कि मान लो कि मैं अपना किसी भी पर्सनल कॉन्टैक्ट के ऊपर अपनी ये फ़ोटो असाइन करना चाहता हूँ। आप अपने हिसाब से इस फ़ोटो को छोटा बड़ा कर सकते हो, बाकी आप देख लो कैसे करनी है। और सिंपली वैसे आपको क्रॉप करने की, ये जो मैंने ये जो स्मॉल की है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इसने मैनेज कर लेनी है। चूज़ के ऊपर क्लिक करो और अपडेट के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही अपडेट कर लोगे, फिनिश, आपका काम ओवरऑल डन हो गया है। और अब गाइज, आपको जो भी कॉल आएगी तो सिंपली आपकी जो है फुल स्क्रीन फ़ोटो शो होगी। ये है सिंपल प्रोसेस। आपकी फ़ोटो इसलिए नहीं फुल स्क्रीन में शो होती क्योंकि आप एडिट बटन के ऊपर क्लिक करके इसको 9:16 पे नहीं सेट करते हो। यही दिक्कत है, 9:16 आप तो सेट करनी है, और आपकी फ़ोटो जो है असाइन हो जाएगी कॉन्टैक्ट पे, और ये फुल स्क्रीन फ़ोटो रहने वाली है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप जाकर चेक करो, अगर इस केस में भी नहीं होता तो उसका एक और फंडा है, वो ये है कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना, वो गूगल ड्राइव में हैं। सबसे पहली बार आपकी फुल स्क्रीन में फ़ोटो शो हो जाएगी, लेकिन दूसरी बार जैसे ही कॉल आएगी उसी पर्सन की जिसके लिए आपने फ़ोटो असाइन की है, तो उस केस में ये फ़ोटो नहीं शो होने वाली है, वो छोटी होगी। तो उस केस में आपको सबसे पहले गूगल ड्राइव में जो कॉन्टैक्ट्स आपके सेम हैं वो डिलीट करने पड़ेंगे, या फिर गूगल ड्राइव रिमूव करनी पड़ेगी। जो आपने गूगल अकाउंट जो है अपना साइन इन कर रखा है गूगल अकाउंट में, जो कॉन्टैक्ट सेम हैं उनको पहले रिमूव करो, और आई क्लाउड में जो कॉन्टैक्ट सेव रहेंगे उनके ऊपर बखूबी ये फ़ोटो सेट हो जाएगी, और भी फुल स्क्रीन फ़ोटो। आई होप गाइज आपको सारी सॉल्यूशन मिल गए होंगे। अगर आपके केस में भी ऐसा हो रहा है कि पहले फुल स्क्रीन आती है एक बार और फिर बाद में छोटी ही हमेशा दिखती है, तो इसका मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बता दो, नेक्स्ट वीडियो इस पर आ जाएगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।